चलिए भाई, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सारे? बढ़िया। सबकी दिवाली हो गई भाई, अच्छे से हो गई होगी। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया है खूब अपना घर पर किया है। आज से ज्यादा बच्चे तो ये कहेंगे मैडम काहे का एंजॉय, पटाखे अलाउ नहीं थे, पटाखे चलाए नहीं है, जा सकते थे नहीं, कहीं गए भी नहीं है, तो काहे की एंजॉय। पर घर पर बैठ के भी होती है, फैमिली के साथ भी होती है। छुट्टियां हो गई, मजा हो गया। अब थोड़ा सा चले, आपकी 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं एलगी की, मतलब आपकी एलगी कंप्लीट हो चुकी है। एलगी आपको मैंने दिवाली ब्रेक्स पर जाने से पहले मैंने आपको कहा था आपकी एलगी कंप्लीट हो गई है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको दिवाली में पूरा आपको छुट्टियों में इसको कंप्लीट कर लेना है, इसको पढ़ लेना है, ताकि आप लोगों को कोई डाउट हो तो आपको बहुत टाइम मिला है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट आया है एलगी में कि मैम ये हमें समझ नहीं आया है, वो पॉइंट हमें समझ नहीं आया, तो यू कैन आस्क मी, ठीक है? लेकिन तब तक हम आज शुरू कर रहे हैं आपका ब्रायोफाइटा यूनिट 3, ठीक है? आपकी दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट सॉरी, हम आपकी शुरू कर रहे हैं। व्हाट वाज दैट? ब्रायोफाइटा, ठीक है? ब्रायोफाइटा की बात हम कर रहे हैं। व्हाट इज अ ब्रायोफाइटा, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि कैसे हम चलते हैं, ये बात हम पहले भी कर चुके थे, एक बार फिर देखते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पॉन्स एंड एंजियोस्पॉन्स, ठीक है? इस तरह से चलते हैं ये, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पॉन्स और एंजियोस्पॉन्स। व्हाट वाज दैट इन द थैलोफाइटा? एल्गी और फंजाई, ठीक है? व्हाट वाज थैलोफाइटा? एल्गी एंड फंजाई, बिकॉज इनको थैलोफाइटा हम क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर द थैलस लाइक, दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड बिटवीन द रूट स्टेम एंड लीव, सो दैट्स व्हाई देयर थैलस इज द जस्ट लाइंग ऑन द ग्राउंड, और इनका जो सुकाय होता है, इनकी जो बॉडी होती है, व्हाट वाज कॉल्ड फॉर दैट? थैलस, ठीक है? तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के बाद नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा, इनसे एक अपग्रेडेड होते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में भी जो हम बात करें, देन टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा सेकेंड ईयर, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आपके थर्ड ईयर में। टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म सेकेंड ईयर, एंजियोस्पर्म थर्ड ईयर में बाद बात करेंगे, पहले फर्स्ट ईयर में बात कर रहे हैं ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? बेसिकली मैंने कहा है कि थैलोफाइटा से थोड़े अपग्रेडेड हैं, लेकिन टेरिडोफाइटा से थोड़े प्रिमिटिव हैं। तो होता क्या है, टेरिडोफाइटा जो होते हैं वो रूट स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएटेड होते हैं, ब्रायोफाइटा नहीं होते, प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड नहीं होते। रूट स्टेम और लीव्स की जगह ये डिफरेंशिएट होते हैं आपके फुट सीटा एंड कैप्सूल। किसमें डिफरेंशिएटेड होते हैं ये? फुट सीटा और कैप्सूल। कैसे? वो मैं आपको देखो यहाँ बता देती हूँ इस तरह से। व्हाट वाज दैट? कैप्सूल, सीटा एंड फुट। तो मैं ये कह सकती हूँ कैप्सूल इज सिमिलर टू लीव, सीटा इज सिमिलर टू स्टेम एंड फुट इज सिमिलर टू रूट, ठीक है? तो इनका जो काम होता है वो भी यही होता है। जैसे रूट्स का काम क्या होता है, जो बॉडी है, प्लांट बॉडी है, उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करना, नीचे जो आपका ग्राउंड है उससे मिनरल्स और वाटर्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करना, ये काम होता है रूट का। सेम यही काम किसका होता है? फुट का होता है, ठीक है? तो इसीलिए हम कहते हैं फुट इज सिमिलर टू द रूट। सीटा स्टेम, स्टेम का काम क्या होता है? प्लांट को सीधा खड़े रखना, ठीक है? रूट से जो मटेरियल लिया है उस मटेरियल को आपके लीव्स तक पहुंचाना, लीव्स, रूट्स और फ्लावर्स तक पहुंचाना, ये काम किसका होता है? स्टेम का होता है।
उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, तो सेम काम कहाँ है इसमें, क्या है सीता का है, रूफ फुटने जो भी चीजें नीचे से। बेसिकली क्या होता है, ये जो हम बात करते हैं कैप्सूल, ये जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज द स्पोरोफाइट। क्या है ये? स्पोरोफाइट है। जैसे कि हम लोगों ने आपकी किसमें, आपके थैलस उसमें एल्गी में बात करी थी। एल्गी में मैंने क्या बात करा था, डिफरेंशिएट गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, दो बात किया था नहीं किया था, गैमेटोफाइट जिसमें गैमेट्स होते हैं, स्पोरोफाइट जिसमें स्पोर्स फॉर्म होते हैं। तो हम यही, ये जो बात है, ये जो है हम कुछ सीट और कैप्सूल, व्हाट इज दैट, दिस इज द स्पोरोफाइट। अब ये जो स्पोरोफाइट होता है किस पर बनता है, गैमेटोफाइट पर बनता है। तो ये गैमेटोफाइट पर या तो फुली डिपेंडेंट होता है, पार्शियली डिपेंडेंट होता है, या बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू द मेंबर। मैं आपको जैसे जैसे पढ़ाऊंगी आपको समझ आ जाएगा। तो बेसिकली ये फुट जो है किससे ले रहा है, अपने आप कर रहा है, ग्राउंड से ले रहा है, या फिर गैमेटोफाइट से ले रहा है, वो हम जैसे जैसे बात करेंगे उसको समझेंगे। फुट फुट से फुट ने जो कुछ भी लिया है वो उसको किसको देगा, सीटा को, और सीटा से फिर वो किसके पास जाएगा, आपका कैप्सूल के पास। ठीक है, कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है आपके स्पोर्स। ठीक है, तो स्पोर्स जो है, स्पोर्स बनेंगे, तो मैं ये कह सकती हूँ कैप्सूल इज द फर्टाइल पार्ट, कैप्सूल इज द फर्टाइल पार्ट। कैप्सूल क्या है, फर्टाइल पार्ट है, जबकि सीटा और फुट ये कैसे होते हैं आपके, स्टेराइल पार्ट होते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए आगे बात करें। ये तो नॉर्मल बात है जो हमने शुरू करी है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे ट्रायोफाइटा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले आज हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो ब्रायोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा आर द फर्स्ट लैंड प्लांट। क्या है ये, पहले लैंड प्लांट है। भाई सीधी बात है, एल्गी तो क्या है आपके, एक्वेटिक थे या नहीं थे, तो मैं ये कह सकती हूँ ब्रायोफाइटा क्या है, फर्स्ट लैंड प्लांट है। ये लैंड प्लांट तो है, ब्रायोफाइटा लैंड प्लांट तो है, लेकिन प्रॉपरली लैंड प्लांट नहीं है। इसीलिए ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस भी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है, ब्रायोफाइटा ऑल्सो नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वैसे तो हमने कहा है कि लैंड प्लांट है, बट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, जैसे एम्फीबियंस को होता है, एम्फीबियंस क्या है, वैसे तो लैंड एनिमल्स होते हैं, लेकिन अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इन्हें किसकी जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है। सेम विद द बायोफाइट, दे आर द फर्स्ट लैंड प्लांट, बट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल दे नीड वाटर। इन्हें किसकी जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, दे नीड वाटर। क्लियर है? तो ये क्या है, पहले लैंड प्लांट है। दूसरा बात मैं बात करूं, इसकी दूसरा पॉइंट हम बात करें, तो ये स्पोरोफाइट भी होता है इसके अंदर। इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइटिक भी होती है एंड गैमेटोफाइटिक भी होती है। ठीक है, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है किसकी, ब्रायोफाइट्स की, स्पोरोफाइटिक भी होती है और गैमेटोफाइटिक भी होती है। और दोनों जो बॉडीज होती हैं, स्पोरोफाइटिक बॉडी और गैमेटोफाइटिक बॉडी, दोनों कैसी होती है, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होती है। ठीक है, ये जो दोनों होती हैं, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी जो होती हैं, ये कैसी होती हैं, दोनों ही मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो दूसरी बात हो गई इसकी कि ये स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक दोनों होती हैं। लेकिन अगर मैं इसकी डोमिनेंट फेज की बात करूं बच्चों, इसका जो डोमिनेंट फेज होता है, इसका जो मेन फेज होता है, दैट इज द गैमेटोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक फेज कैसा होता है, इसका डोमिनेंट फेज होता है। ठीक है, गैमेटोफाइटिक इज द डोमिनेंट फेज, स्पोरोफाइट इसके ऊपर होते हैं। ठीक है, और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होता है, आपका गैमेटोफाइटिक फेज में होता है।
ठीक है, दीज आर द गैमेटोफाइट इज द मेन डोमिनेंट फेज एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन द गैमेटोफाइटिक फेज। ठीक है, जो स्पोरोफाइटिक होती है, स्पोरोफाइटिक जो हम कह रहे हैं इसकी जो प्लांट बॉडी है या स्पोरोफाइटिक फेज होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट लिविंग होती है, बहुत कम टाइम के लिए होती है, शॉर्ट लिविंग होती है। ठीक है, कौन सी, स्पोरोफाइटिक फेज, और जरूरी नहीं है कंप्लीटली और पार्शियली, कंप्लीटली और पार्शियली, या तो कंप्लीट पूरी तरह से या फिर पार्शियली डिपेंडेंट होती है किस पर, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट पर, या तो पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है या फिर ये पार्शियली डिपेंडेंट होती है। पूरी तरह से डिपेंडेंट का एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, रिक्शिया, ये मेंबर है आपके उसमें, जैसे हमने ऑसिलेटोरिया और नॉस्टॉग ये सब पढ़े थे ना, ऐसे ही हमें इनके बारे में पढ़ना है। ब्रायोफाइट का मेंबर है रिक्शिया, तो रिक्शिया का जो स्पोरोफाइट होता है इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। और पार्शियली की अगर हम बात करें तो जैसे कि मार्केंशिया है, ठीक है, ये क्या है आपका, पार्शियली डिपेंडेंट होता है, क्यों, क्योंकि इसका जो स्पोरोफाइट होता है ना बच्चों, ये स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक होता है, इनका स्पोरोफाइट कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, तो ये खाना खुद बना लेता है, केवल और केवल पानी और मिनरल्स के लिए इसको किस पर डिपेंड होना पड़ता है, गैमेटोफाइट पर डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्पोरोफाइट होता है इट इज कम्प्लीटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, क्लियर। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर आप बुक में देखेंगे 3, 4, 6, 7 पॉइंट हो गए अभी तक आपके, लेकिन हमने एक में ही आपको सब समझा दिया है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि व्हाटएवर आई एम रीडिंग इन द बोर्ड, ठीक है, मैं बोर्ड पर जो कुछ भी लिख रही हूँ दिस इज अ शॉर्ट नोट्स फॉर यू, आपके लिए शॉर्ट नोट्स ही हैं, तो इट्स बेसिकली गुड इफ यू आर कीप नोटिंग इट इन योर कॉपी, अगर आप इसको अपनी कॉपी में कोई भी रफ कॉपी अगर आप लेकर अगर आप कर रहे हैं नोट, देन इट्स गुड फॉर यू। चलिए, मैंने आपको सर ये साफ करवा दो, बहुत ज्यादा भर गया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि हमने कहा था कि जो प्लांट बॉडी है, हमने कहा था, हमने स्पोरोफाइट की तो बात कर ली, अब मैं इसकी बात करती हूँ, ठीक है, अब मैं आगे बात करती हूँ आपसे कि इनका जो थैलस होता है, वेयर थैलस इज, इनका जो थैलस है सिंपल एंड प्रोस्ट्रेट, इनका जो थैलस होता है वो कैसा होता है, ठीक है, इनका जो थैलस होता है वो कैसा है, सिंपल एंड प्रोस्ट्रेट। इसके बाद बात करें इनका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो होता है इनका वेल डेवलप्ड होता है। अच्छा, जो हमने बात करी थी आपसे फूड सीटा एंड कैप्सूल, वो अलग है, वो किसकी बात करी थी, गैमेटोफाइट की, स्पोरोफाइट की बात करी थी, अब मैं किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे आपसे, गैमेटोफाइट की बात कर रही हूँ। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, गैमेटोफाइट की, जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इज वेल डेवलप्ड, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपसे गैमेटोफाइट की, तो इसके लिए जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता हैज द वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड क्या पाया जाता है इसमें, राइजोइडियल सिस्टम, ठीक है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हैज अ वेल डेवलप्ड राइजोइडियल सिस्टम, जिसकी वजह से ये क्या रहता है, सॉइल में अटैच रहता है। ठीक, सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो हमने क्या बात करी थी आपसे, आपको याद हो तो हमने जब एल्गी में बात करी थी तो एल्गी में मैंने क्या बात करी थी आपको, कि नॉन जैकेटेड होते हैं इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इनके सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं, नॉन जैकेटेड होते हैं, लेकिन लेकिन इसमें ये कह सकती हूँ जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स
आर प्रेजेंट। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जैकेटेड होते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ एक जैकेट, जैकेट बेसिकली कैसी है, कवरिंग इनके ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात कर रही हूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होंगे, इनके सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स कैसे हैं, मल्टी सेलुलर, जबकि एल्गी के कैसे थे, यूनिसेलुलर थे। ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन्स आर द मल्टी सेलुलर। और किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है इनमें, ओगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर्म, ओगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर्म। इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ओगैमस टाइप का होता है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर एंड ओगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड। ठीक, एक चीज जो कॉमन है एल्गी से ब्रायोफाइट में वो क्या है कि एल्गी में भी वेस्कुलर सिस्टम नहीं था एंड ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट ऑल्सो डजेंट हैव द वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ब्रायोफाइट में भी वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, जो किससे कॉमन है इसका, एल्गी से कॉमन है। एल्गी में भी वेस्कुलर सिस्टम नहीं था ना बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बात करें इसके, तो ये हो गया ओगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड। इसके बाद इसकी बात करें हम, यहां लिख देती हूँ, फीमेल सेक्स ऑर्गन। अच्छा, अभी तक तो हमने जहां वहां पर आइसोगैमी, एन आइसोगैमी, इस टाइप के सेक्स ऑर्गन्स की बात करी थी। हमने मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया पढ़ा था, फीमेल सेक्स ऑर्गन उगोनिया पढ़ा था। एंथ्रीडिया तो पढ़ लिया था, लेकिन फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर मैं डेवलप्ड प्लांट्स की बात करती हूँ तो उधर क्या होता है, आर्किगोनिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, आर्किगोनिया। ठीक है, जैसे मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया होता है, ऐसी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है बच्चों, आर्किगोनिया होता है। तो पहली बार जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनिया कहाँ पे हुआ था डेवलप, आर्किगोनिया वॉज फर्स्ट डेवलप, आर्किगोनिया वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन ब्रायोफाइट। आर्किगोनिया सबसे पहले कहाँ डेवलप हुआ था, ब्रायोफाइट में ही सबसे पहले देखा गया। इससे पहले थैलस एल्गी है, एन एल्गीजा थैलस बॉडी, तो एल्गी के अंदर तो नहीं मिला था, किसके अंदर था ये आपका, ब्रायोफाइट के अंदर। कैसे होता है ये देखिएगा, दिस इज द नेक। ठीक है, ऊपर वाला जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं दिस इज द नेक, नीचे वाला दिस इज द वेंटर एंड दिस इज द कवर सेल। ये क्या होते हैं बच्चों, कवर सेल। अगर मैं इसका पूरा डायग्राम बनाऊं तो डेवलपमेंट हमें पढ़ना है, जो हम एक एक मेंबर पढ़ेंगे, रिक्शिया मार्गेंशिया वगैरह जो एक एक मेंबर पढ़ेंगे तो उसके अंदर और भी चीजें हम देखेंगे। क्या देखेंगे, यहाँ पर तो देखेंगे हम इस तरह से प्रेजेंट होती हैं, क्या ये क्या कहलाती है, नेक कैनाल सेल। तो कहाँ प्रेजेंट है आपकी, नेक में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक में प्रेजेंट है, नेक कैनाल सेल। और नीचे की तरफ आप देखेंगे एक बड़ी सी होती है, व्हाट इज दैट, वेंटर कैनाल सेल। नेक कैनाल सेल बहुत सारी होती हैं, बट वेंटर कैनाल सेल केवल एक होती है। ठीक है, नेक में नेक कैनाल सेल जो थोड़ा सा वेंटर तक भी आती हैं, ये काफी सारी होती हैं, लेकिन वेंटर कैनाल सेल केवल एक होती है। और इसी के नीचे, इसी के साथ प्रेजेंट होता है क्या, एग। तो बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि ये एग वाला पोर्शन है। ठीक है, ये नेक और ऊपर का ये कवर सेल, तो दिस इज द कवर सेल, नेक एंड द वेंटर। नेक में प्रेजेंट है आपकी नेक कैनाल सेल और वेंटर में प्रेजेंट है आपकी वेंटर कैनाल सेल। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ आपसे, ये जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात कर रही थी इससे पहले कि जैकेटेड होता है, एल्गी में कैसी थी स्ट्रक्चर, नॉन जैकेटेड थी, जबकि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है बच्चों, जैकेटेड होती है। ये इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, जैकेटेड होती है। एंड व्हाट इज दैट जैकेट कॉल्ड, कैलिप्ट्रा। ये जो इसकी स्ट्रक्चर है, ये जो देख रहे हैं आप, जो जैकेटेड स्ट्रक्चर है, जो किसके ऊपर प्रेजेंट है, वेंटर के ऊपर प्रेजेंट है, व्हाट इज दैट कॉल्ड, कैलिप्ट्रा। ठीक है, तो इट इज द नेक पोर्शन, नीचे का पोर्शन वेंटर, ऊपर का कवर सेल। ठीक है, तो दिस इज द नेक, नेक पोर्शन, दिस इज द विंटर पोर्शन। विंटर में क्या है आपका, नेक में नेक कैनाल सेल, विंटर में विंटर कैनाल सेल और एग, ऊपर कवर सेल। और इसी विंटर के ऊपर प्रेजेंट है जैकेटेड पोर्शन विच इज कॉल्ड एज द कैलिप्ट्रा। क्लियर,
ठीक, चलिए आगे बात करें। मेल सेक्स ऑर्गन हमने बात कर लिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन की। मेल सेक्स ऑर्गन वही है, क्या है? एंथ्रीडिया। मेल सेक्स ऑर्गन वही थी जो अपन ने, ये अपने उसमें भी था एलजी में, तो मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडिया। ठीक है, व्हाट इज द मेल सेक्स ऑर्गन? एंथ्रीडिया। अगर बात करूं मैं इसके फॉर्मेशन की, एल्गी से डिफरेंस, ये सब आपको समझ आ गया होगा, आई एम श्योर आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, अगर आप नोट कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है बाकी। चलिए मैं छोड़ दे रही हूँ, अगर आप नोट कर सकते। अब बात करें हम आपके फर्टिलाइजेशन की, इसमें ब्रायोफाइट में फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैंने जब एल्गी बढ़ाया था तो एल्गी में कहा था कि ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन क्या बनता है इनके अंदर? जायगोट बनता है। किसमें? एल्गी में। लेकिन उसमें क्या बनता है? जायगोट से एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, किसमें क्या बनता है? जायगोट से एम्ब्रियो फॉर्म्ड होता है। किसमें? ब्रायोफाइट में। ब्रायोफाइट में जायगोट से क्या फॉर्म्ड होगा? एम्ब्रियो फॉर्म होता है फर्स्ट टाइम, जबकि उसमें क्या बनता है? केवल जायगोट। फॉर द एम्ब्रियो फॉर्मेशन, किसमें? आपके जो हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट में, फॉर द एम्ब्रियो फॉर्मेशन क्या चाहिए होता है? वाटर। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए है? वाटर। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस। इनको क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस। वाटर किसके लिए चाहिए? वाटर चाहिए जो आपका एग, मेल जो होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो आपका एंथ्रेसॉइड होता है, उसको मूव करने के लिए, उसको एग तक पहुंचने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की जरूरत पड़ती है। तो हमें कहते हैं इसका जो फर्टिलाइजेशन है, इसकी जो लाइफ साइकिल है, वो कहाँ जाके कंप्लीट होती है? पानी में कंप्लीट होती है। ठीक है, अगला। एल्गी में हमने क्या देखा था? एल्गी में हमने देखा था कि जो जायगोट बनता है, जायगोट के ऊपर कवरिंग आ जाती है, वो ऊ स्पोर बना लेता है, एंड ऊ स्पोर इज द डोरमेंट स्ट्रक्चर। बात करी थी ना, ऊ स्पोर क्या होता है? डोरमेंट स्ट्रक्चर होता है जो काफी टाइम तक डोरमेंसी में रहता है, और काफी टाइम के बाद उसको, अब जब उसकी फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो जर्मिनेट करता है। जबकि ब्रायोफाइट में डोरमेंसी पीरियड नहीं होता है, डोरमेंसी पीरियड नॉट प्रेजेंट, डोरमेंसी पीरियड नहीं होता है, एम्ब्रियो जर्मिनेट इन अ शॉर्ट टाइम। एम्ब्रियो एक कम टाइम में भी जर्मिनेट कर देता है, एम्ब्रियो जर्मिनेट इन अ शॉर्ट टाइम। क्लियर? एम्ब्रियो बहुत कम टाइम में भी जर्मिनेट कर देता है, देयर इज नो डोरमेंसी इन द एम्ब्रियो। ठीक, इसके बाद और क्या है? और हम कह सकते हैं स्पोरोफाइट के लिए मैंने कह दिया गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है। अब थोड़ा सा स्पोरोफाइट की बात करें कि स्पोरोफाइट में, ये तो बात हो गई, अभी तक हमने जितनी बात करी है गैमेटोफाइट की बात करी है, ठीक है ना? गैमेटोफाइट में हो रहा है। अब मैं बात कर रही हूँ किसकी आपसे? स्पोरोफाइट की। तो स्पोरोफाइट में क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं, और जनरली ये जो स्पोर्स हैं ये बनते हैं माइटोसिस, सॉरी मियोसिस। किसके द्वारा? मियोसिस के द्वारा। ठीक है, इन स्पोरोफाइट स्पोर्स आर फॉर्म थ्रू मियोसिस, और मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं। इन स्पोर्स को क्या कहा जाता है? मियोस्पोर। इन स्पोर को क्या कहा जाता है बच्चों? मियोस्पोर। ठीक है, थ्रू मियोसिस स्पोर्स आर फॉर्म एंड दीज स्पोर्स आर कॉल्ड द मियोस्पोर। ये मियोस्पोर जर्मिनेट होते हैं और वापस क्या बना लेते हैं? गैमेटोफाइट। इसी तरह से लाइफ साइकिल चलती रहती है, जर्मिनेट होंगे और वापस क्या बना देंगे? गैमेटोफाइट। क्लियर? समझ आया अभी तक ये सारा? जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द ब्रायोफाइट सबको क्लियर है? कोई डाउट है किसी को तो बता दो, इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे मजे मजे में नहीं पढ़ाए जा रहे हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है और पूछ लिए जाते हैं। डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द ब्रायोफाइट।
इसके बाद आपकी ब्रायोफाइट की कुछ एफिनिटीज हैं, एफिनिटीज ऑफ ब्रायोफाइट विद टेरिडोफाइट और एफिनिटीज ऑफ ब्रायोफाइट विद एल्गी, कि हम ये कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट जो इंटरमीडिएट है बेसिकली एल्गी और टेरिडोफाइट के बीच में इंटरमीडिएट है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ब्रायोफाइट की ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि ब्रायोफाइट एल्गी से बने हैं। मतलब बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ। ओरिजिन जो है, ओरिजिन के अकॉर्डिंगली कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि एल्गी में एडवांसमेंट हुआ है तो ब्रायोफाइट बने हैं, जबकि कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो इस थ्योरी पर बिलीव करते हैं कि टेरिडोफाइट जो है वो कुछ पुराने रह गए हैं, टेरिडोफाइट जो कुछ डेवलप नहीं हो पाए थे, उनके जो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, ब्रायोफाइट है। तो कहने का मतलब है कुछ का मानना है कि एल्गी में प्रमोशन हुआ है तो टेरिडोफाइट बने, वो ब्रायोफाइट बने, कुछ का मानना है कि टेरिडोफाइट में डिमोशन हुआ है तो ब्रायोफाइट बने। तो बेसिकली इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ वाटर, वाटर इज एसेंशियल फॉर देयर कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, तो ये किससे एफिनिटी शो कर रहा है, इसका आपका एल्गी से शो कर रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं कह रहा हूँ कि ये टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट की वजह से, तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों एब्सेंट होते हैं, जबकि एल्गी में हमने क्या बात करी थी, एल्गी में जब बात करी तो हमने कहा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज मेन इंपॉर्टेंट इन द एल्गी, जबकि इसके अंदर ब्रायोफाइट के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों नहीं होते, इसके अंदर केवल क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा था कि आर्किगोनिया, हमने बात करी किसकी, आर्किगोनिया की, आर्किगोनिया कहाँ बना, ब्रायोफाइट में बना, एल्गी में नहीं था। एम्ब्रियो कहाँ बना, ब्रायोफाइट में बना, एल्गी में नहीं था। तो इसलिए कहते हैं कि ये वो करेक्टर्स होते हैं जो इसकी सिमिलैरिटी किसके साथ शो कर रहे हैं, टेरिडोफाइट के साथ शो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो इसकी सिमिलैरिटी एल्गी के साथ भी शो करते हैं। तो इट इज नाउ, स्टिल नाउ इट इज डिस्प्यूटेबल, ये अभी तक डिस्प्यूटेबल है कि ब्रायोफाइट इज मोर टुवर्ड्स द एल्गी और मोर टुवर्ड्स द टेरिडोफाइट। क्लियर है बच्चों, चलिए ठीक है, आगे बात करें ऑरिजन एंड एवोल्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट के ऑरिजन और उसकी एवोल्यूशन की बात करें, तो कई सारे आपको थ्योरीज दे रखी हैं, तो आई एम श्योर कि आप लोग वो थ्योरीज एक बार खुद से पढ़ें, मैं ये चाहूँगी एक बार खुद से पढ़ें, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग पोर्शन है बच्चों को कि मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आप लोग क्लास में भी फिर आपको मन लगेगा नहीं, तो एक बार मैं चाह रही हूँ आप खुद से पढ़ लें, एक बार आप खुद से कर लेंगे तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, तो मेरे को भी समझाने में थोड़ा ईजी रहेगा, ठीक है। तो वो वाला थोड़ा सा पोर्शन है आपकी बुक का जिसमें आपकी ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट है, उसको हम बाद में करेंगे, पहले इससे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी रेंज ऑफ थैलस। बच्चों पहले रिज्वाइन कर लीजिए क्लास एक बार,